नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शराब छोड़नी है तो घर में लाकर पैक बनाइए। क्या ऐसी सलाह, ऐसी नसीहत आपने कभी सुनी है? मध्य प्रदेश के मंत्री ने दी है यह सलाह। कहा है कि शराब छोड़नी है तो घर ले जाकर पत्नी के सामने बैठकर पीजिए। मंत्री के इस अजब से सलाह पर सब हैरान है और अब स्पष्ट हो गई है शुरू सियासत भी। माता बहनें चाहें कि मेरा पति दारू ना पिए, आप तो ले आओ वो खाना खाओ मेरे सामने। सुनी आपने मंत्री जी की सलाह। शराब छोड़ने के कई तरीके आप भी जानते होंगे, लेकिन ये सलाह अनोखी है। शराब घर पर लाओ और पत्नी के सामने बैठकर पियो। ऐसी सलाह शायद ही कभी सुनी होगी आपने। और सलाह देने वाले भी कोई आम शख्स नहीं है। एमपी के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा हैं ये। मंत्री जी नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान इन्होंने शराब छोड़ने का ऐसा तरीका बताया कि सब हैरान हैं। आप भी सुनिए मंत्री जी का ज्ञान। इस सबसे बड़ा इसमें योगदान है घर की माता और बहनों का। माता बहनें चाहें कि मेरा पति दारू ना पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ वो खाना खाओ मेरे सामने। मंत्री ने पत्नियों को नसीहत देते हुए कहा कि पति से घर पर शराब पीने को कहें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शराब पीने की लिमिट कम होगी और शर्म से पति शराब पीना भी छोड़ देंगे। नारायण सिंह कुशवाहा का कहना था कि हमने कई उदाहरण देखे हैं जब पति ने ऐसा करने पर शराब छोड़ दी। मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा कि पतियों में बेलन का डर होता है। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूँ। अब मंत्री जी ऐसी सलाह दें और सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने कहा कि शराब बंदी की जगह घर में पुरुषों को शराब पिलाने की सलाह महिला हिंसा को बढ़ावा देने वाली है। पुरुष घर में पियेंगे तो महिलाओं को पीटेंगे। मंत्री महिला विरोधी है। देखिए, मैं तो मंत्री जी को ये सलाह देना चाहती हूँ कि यदि आप नशा मुक्ति करना चाहते हैं तो इस तरह की सलाह देकर महिलाओं को आप घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मंत्री जी का ये जो बयान है बहुत ही अजीबोगरीब बयान है और मुझे लगता है कि उन्हें इस बयान को वापस लेना चाहिए, महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। घर में पत्नी के सामने बैठकर शराब पीना, शराब छोड़ने का ये तरीका अनोखा है। अगर सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती, लेकिन यहाँ तो मंत्री लोगों को शराब घर तक लाने के लिए कह रहे हैं। मंत्री जी का ये ज्ञान वाकई अद्भुत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं। बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अमरवाड़ा के रण में दम दिखाएंगे, ताबड़तोड़ चुनावी सभा करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए वोट मांगेंगे। तो अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह के नामांकन के समय भी बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे और अब उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिन ब दिन अमरवाड़ा का जो रण है और दिलचस्प हो रहा है, बीजेपी इस उपचुनाव को जीतने के लिए भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का जो नजदीक आती जा रही है उसके बाद दिग्गजों के दौरे भी लगातार बढ़ गए। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से 3 दिन से जीतू पटवारी वहाँ विराजमान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी कल वहां पर जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। न केवल वो जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो ये
चुनाव के बाद जो हाई इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर सरकार जो है वो उस पर नजर बनाए हुए, और यही कारण है कि पहले संपत्ति आयुक्त को वहां प्रभारी बनाया गया, इसके अलावा स्थानीय जो आसपास के विधायक थे उनको सबको वहां पर काम पर लगाया गया, और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर जा रहे हैं, और केवल कल ही नहीं उसके आने वाले समय में भी वो लगातार वहां पर दौरे करेंगे। जो स्टार प्रचारकों की 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, अब धीरे धीरे से वो स्टार प्रचारक भी अमरवाड़ा पर अपना फोकस करना शुरू करेंगे और वहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। जी, इधर अमरवाड़ा के रण में जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को देने के लिए। तो अमरवाड़ा के रण की ही हम बात कर रहे थे, तो कांग्रेस की अगर हम तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पर डेरा डाले हुए हैं अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह को जीतू पटवारी ने शराब का शौकीन करार दिया। जीतू पटवारी अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पटवारी ने कहा कि एक तरफ धर्म से जुड़ा प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ दिन भर शराब पीकर पड़े रहने वाला। जिसकी चार पीढ़ियों ने सेवा की, कभी दारू नहीं पी, और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेईमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता है, कौन सा अच्छा है? किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को या वह मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार, किसको देना चाहिए? उधर कमलेश शाह पर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने बयान को आदिवासी वर्ग का अपमान बताते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने इससे पहले इमरती देवी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। पटवारी का बयान घोर निंदनीय, आपत्तिजनक और आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला है। इसी तरह का बयान जीतू पटवारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी नेता इमरती देवी जी के लिए दिया गया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बयान का मूक समर्थन किया था। इसीलिए आज जीतू पटवारी ने आदिवासी वर्ग का अपमान करते हुए उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बात कही। भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा करती है, यही कांग्रेस पार्टी का मूल चाल चरित्र और चेहरा है। भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार ने नए कानून के परीक्षण के लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट भेजा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जहां से गंगा बहती है पानी वहीं से साफ करना होगा। पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर विधि विभाग के पास भेजा गया है। देखिए, जननायक मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शिता वाली सरकार है, और कोई भी अगर छात्रों के हिस्से खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा यह निर्णय जो माननीय मोहन यादव जी ने लिया है कि उसमें प्रावधान जो रखे हैं 1 करोड़ तक का जुर्माना, 10 लाख की 10 साल तक की सजा, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। चलिए आपको बताते हैं सरकार पेपर लीक को लेकर जो कानून लाने जा रही है उसमें क्या क्या होगा। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान, परीक्षा में गड़बड़ी गैर जमानती होगी, आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, परीक्षा में होने वाला खर्च वसूला जाएगा, गंभीर अपराधों में आएंगे पेपर लीक मामले। प्रदेश में पेपर लीक पर बन रहे कानून को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि नर्सिंग कॉलेज के नियम भी बनाए गए थे लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार भविष्य की बातें नहीं कह रही, जो घोटाले हैं जिनके कारण अवैध कॉलेज खुले जा रहे, अनसुटेबल कॉलेज, वो फिर आप उन्हीं से पैसे लेके आप धंधा कर रहे हो, इतने सालों से कॉलेज चला रहे हो, तो इन पे क्या कानून ला रही है सरकार? क्या मंत्री को बर्खास्त करेगी? क्या मंत्री पे 1 करोड़ का जुर्माना करेगी? क्या मंत्री को 10 साल के लिए जेल भेजेगी? ये कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ेगा। सरकार पेपर लीक कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करेगी। कानून में लोगों और संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेपर लीक की जाँच SIT बनाकर करवाई जा सकती है। देखना होगा नया कानून पेपर लीक पर कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इंदौर में 20 से ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है। इन लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हिंदू धर्म को अपनाने वालों का नामकरण भी किया गया। देखिए, घर वापसी का कोई कार्यक्रम नहीं होता। घर वापसी एक होती है अंतरात्मा से। 25 से 30 जो है संख्या लगभग इतनी थी। उसमें कुछ देवास के हैं, इंदौर खजराना के हैं, मंदसौर के हैं, और कई वर्षों से वो जो है मंदिर और भजन संध्या में जा आ रहे थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और हम लोगों से मिलकर आग्रह करा कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो उनके तहत उनकी इच्छा और उनकी आस्था के प्रति हम लोग सब साथ में खड़े हुए और घर वापसी हुई। और खजराना मंदिर, चूँकि श्री गणेश जी जो है उन्होंने यहाँ आके गणेश जी के मंदिर पे माथा टेका और विधिवत रूप से अंतरात्मा से उन्होंने पुनः अपने घर में वापसी करते हुए। बुरहानपुर आदिवासी बहुल इलाका धूलकोट में सड़क ना होने की वजह से गांव के लोग मरीज को खटिया पर ले जाने को मजबूर हैं। माफी फलिया में मरीज के लिए एम्बुलेंस तो आई, लेकिन गांव में सड़क ना होने की वजह से एम्बुलेंस को काफी दूर पहले ही रोकना पड़ा। ऐसे में मजबूर गांव वाले मरीज को खटिया पर ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। बरसात के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। सड़क पर कीचड़ और पानी भरा होता है, गाँव वाले किसी तरह की आवाजाही कर पाते हैं। रूट के वजह से ये हादसा होता है, पेड़ टूटता है, किसी का बारिश में कोई भी मुर्दा हो जाते हैं, उसके खाट पे ले जाना पड़ता है। यहाँ से तो पंचायत द्वारा से कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ से। देवास में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 9 जून को डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी परिवार वालों को करीब 15 दिन बाद लगी। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उधर सीएमएचओ का कहना है कि मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। 9/6/2024 को डिलीवरी हुई थी सुबह 7:08 को। तो उसको क्या है कि बिलेट ज्यादा जा रहा था, इन्हें डिलीवरी टाके लगाए उसमें, तो उसमें लापरवाही करी, इन्हें कपड़ा अंदर रह गया उसमें, कपड़ा छोड़ दिया उसमें, और आज 19 दिन बाद उसका कपड़ा निकला अंदर से ऑटोमेटिक बाथरूम के जरिए। फ्रेश होने गए थे? हाँ, फ्रेश होने गए बाथरूम के जरिए, थोड़ा सा निकला तो वो बेहोश हो गई। उनने चीख मारी, चिल्लाई, तो वो कपड़ा पूरा निकला। फिर उसको हम हॉस्पिटल में लेके आए एमजी में, तो फिर यहाँ पे बोलते कोई चीज़ें ना, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं बोलते हैं ना, कि पूरी पूरी डॉक्टर की नर्स। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया है। हमने आवेदन लेके उससे एक जांच कमेटी हम बनाएंगे, जिसके अंतर्गत ये जांच की। खबर बैतूल से, जहां आंगनबाड़ी के खाने में इल्लियां मिली हैं। अमला ब्लॉक के हरणिया गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में बनाई गई कड़ी में इल्लियां मिली हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पालक मौके पर पहुंचे। इस दौरान पालकों ने आंगनबाड़ी में सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल होते देखा, जिसकी शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी से की गई। वहीं अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।